हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, हम लोग सबको नहा धोवा के रेडी है और अब मैं जा रही हूँ दान करने के लिए, क्योंकि कल पूर्णिमा का ये था तो दान करना था। अब आयाज पूजा करेगा, आयाज सॉरी चोट लग जाता था एकदम। तो अब आयाज पूजा करेगा, श्रुति पूजा करेगी, सारे लोग पूजा कर चुके, दोनों भाई भी कर चुके हैं। तो अब मैं ये तो जिम भी चलेगा और यहाँ से करने के बाद हम कहीं जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि आज संडे है और उससे भी बड़ी बात कि आज भैया का लास्ट छुट्टी है, उसके बाद इनको कल से स्कूल जाना है, और उससे भी बड़ा बात कि टूटू को भी कल से स्कूल जाना है। तो ये दुख ये हम लोग आज सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी ये लोग भी जा रहे पूजा करने और मैं भी पूजा कर लेती हूँ, फिर आना को भी रेडी करना है। आना को मैंने रेडी नहीं किया अभी तक, तो चलते हैं गाइस थोड़ी देर के बाद। कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम लोग निकलेंगे कहीं पे, तो हम लोग निकल गए हैं और अभी ये डिस्कशन हो रहा है कि कहाँ जाना है नाश्ता करने के लिए। तो आपको तो पता ही है ग्रहण था, तो हम लोगों को नहा धोवा के करना था, जो करते करते हम लोगों को काफी लेट हो गया और हम लोग कुछ नहीं बनाए थे घर में, तो अभी हम लोग को भूख लग गई है। तो अभी हम लोग सोचे कि चलो बाहर में ही, ऐसे भी संडे है, संडे के दिन हम लोग बाहर में ही खा जाते ही, हम लोग जाते ही है। तो अभी हम लोग बस निकले हैं, सब लोग अपना अपना राय दे रहे हैं कि कहाँ खाना चाहिए कहाँ खाना चाहिए। इस मामले में मैं अक्सर चुप ही रहा करती हूँ क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं होता है। तो डिसाइड हो गया ना कहाँ जाना है, डिसाइड हो तो चलते हैं वहीं पर। चलिए गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए हैं नाश्ता करने के लिए, और नाश्ता करने के लिए हम लोग बहुत दूर आ गए हैं। एक्चुअली टहलने का मन था तो गाड़ी से निकल गए, तो चलते चले गए तो पता चला हम लोग जयपुर मोड़ आ गए हैं, एक्चुअली के मोहनपुर के आगे हैं और यहाँ का नाश्ता फेमस है। तो अभी यहीं पे नाश्ता करते हैं और दिखाते हैं कि हम लोग नाश्ता में क्या कर रहे हैं। नाश्ता ये दुकान है गाइस, देख सकते हैं जहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे हैं अभी, और नाश्ता करते हैं, देखते हैं नाश्ता में क्या क्या है। देखिए अभी नाश्ता में क्या है, समोसा है, मुड़ी, घुगनी, और ये क्या है, प्याजी, और ये सवाई से क्या है। तो अभी भाभी खा रही है, कैसा लगा? अच्छा लगा, अभी खा के देखिए बहुत अच्छा। चौपनी था, चौपनी, अरे सलाद नहीं। श्रुति जो है मुड़ी नहीं ली है, बाकी सब चीज ली है, तो गजब चीज है। ये ज्यादा टेस्टी लग रहा है हमको, क्या बताएं, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। तो गाइस अभी हम भी खा लेते हैं, अपना नाश्ता ले लेते हैं, खा के फिर आपको बताते हैं ये टेस्ट कैसा है। तो श्रुति बताएगी क्या, अभी श्रुति को कैसा लगा? उनको तो बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी लगा, समोसा भी टेस्टी था, पकौड़ी का भी बेसन पतला पतला था तो बहुत अच्छा लगा। हम तो दो मतलब श्रुति को पकौड़ी में जो चाहिए, जो मतलब पतलापन टेक्सचर वो था बेसन रहता है ना, तो वो हमको अच्छा नहीं लगता, और हमको भी वो एकदम अच्छा नहीं लगता है। हमको तो इनफैक्ट घुगनी बहुत कम जगह सेलेक्ट होता है। मेन था यहाँ का कि घुगनी इतना टेस्टी था, अभी तक मैंने जितने जगह खाया है हम लोग मतलब देखे हैं, मतलब ना तो हम ज्यादातर छोड़ ही देते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग सबको एक्स्ट्रा ले लेके खाए, और हम लोग को यहाँ का एक भी चीज ऐसा नहीं बोल सकते हो कि खराब था, चाहे वो जलेबी हो, चाहे वो समोसा हो, चाहे वो घुगनी हो, चाहे वो मुड़ी हो, चाहे वो मतलब ऑल पकौड़ी, सारा चीज मतलब बहुत बहुत मस्त था। अब इन लोग से पूछ लेते हैं कि इन लोगों को कैसा लगा है। तो गाइस मुझे तो बहुत टेस्टी लगा, और सबसे टेस्टी मुझे घुगनी लगा, समोसा ही बहुत टेस्टी था, और परफेक्ट मुड़ी घुगनी था, ये नमक सबसे अच्छा था, जलेबी वगैरह भी बहुत अच्छा था। भैया से पूछते हैं कि उनको कैसा लगा, कैसा लगा तुमको? मुझे बहुत सुना रहे थे लोग, कहाँ ले जा रहे हो इतना दूर, क्या मिलेगा इधर, नहीं मिलेगा। मैंने बोला पेशेंस रखो, कुछ अच्छा खिलाऊंगा, और यहाँ लेकर गया। मैंने तो पहले भी टेस्ट किया है तो मुझे मालूम था, मुड़ी घुगनी जो लोग खाते हैं ये अब एक फॉर्मेलिटी रह गया है, अगर कहीं भी आपका खाओगे तो उतना टेस्ट नहीं आता है,
लेकिन यहाँ का मुड़ी घुगनी लगता है अभी भी अलाइव। खाओगे तो आपको वो मुड़ी घुगनी का जो एक रियल टेस्ट है वो आपको पता चलता है। बहुत टेस्टी, मजा बहुत दिन के बाद ऐसा खाने को मिला। अगर कोई आना चाहते हैं यहाँ पे, बहुत शौकीन लोग हैं मेरे कॉन्टेक्ट में जो संडे को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं जगह जगहों पे जाके अच्छी अच्छी चीजों को टेस्ट करने के लिए, तो उनको मैं सजेस्ट करता हूँ जयपुर मोड़। एकदम जयपुर मोड़ पर ही है ये नाश्ते की दुकान, आप आके टेस्ट करें उसके बाद बताएं कैसा लगा। अब हम लोग घर को निकले, अब मैं आपको एक सीन दिखाती हूँ। देखो इतनी खूबसूरत सीन है ना, मतलब पहाड़ को देखने के बाद ही दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। इसीलिए ये वाला रास्ता हम लोग को बहुत अच्छा लगता है और हम लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि इसी रास्ते पे आए। थोड़ा खाली खाली भी रहता है, मजेदार रहता है। अभी तो फिलहाल हम लोग घर में जाके अभी क्या करेंगे, हम लोग आराम करेंगे, भी हम लोग संडे काटेंगे, देखते हैं फिर थोड़ी देर के बाद फिर कहीं ना कहीं हम लोग निकलेंगे आज हम लोग फुल यूटिलाइज करना है संडे का। तो वैसे पता नहीं सबकी छुट्टी कब हो, आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे, कोशिश तो है हम लोग की, तो आप देखते हैं कब प्लान होता है। तो फिलहाल अभी घर निकलते हैं, घर पे मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। मार्केट क्यों गए थे आप लोग बताइए भाभी, हम लोग का दुख भरा कहानी बहुत ट्रेजेडी हुआ हम लोग के साथ। क्या क्या हुआ कि हम लोग एक साड़ी पसंद किए थे जो आए लेकर, उसमें तो बहुत अच्छा लगा लेकिन जब उसको पहने तो हम लोग का चेहरा ही चेंज हो गया, मतलब लग ही नहीं रहा था, हम लोग बाजे लगा देखने में, मतलब क्वालिटी ढंग का नहीं लगा। फिर लास्ट में हम लोग सोचे कि चलो उसके पास तो बहुत वैरायटी है, जाके दूसरा ले लेंगे। गए तब कोई वैरायटी नहीं समझ में आ रहा था, पता है कुछ भी नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लास्ट में एक साड़ी हम लोग पसंद किए, भाभी को पसंद आया, हमको भी कुछ खास पसंद आया लेकिन नहीं, हमको भी नहीं आया, लेकिन वो बोली कि आप ले जाइए, जब आपको पसंद नहीं आएगा तो मेरा नेक्स्ट माल आ रहा है, आप फिर चेंज करके दूसरा ले सकते हो, और अगर ये भी नहीं होगा तो ऐसे तो कोई देवघर के दुकान में कोई देता नहीं है पैसा रिटर्न करके, बट हम आपको दे देंगे। तो ये एक साड़ी सिंपल है और बहुत अच्छा है, इसका नाम है ऑर्गेंजा, और ये साड़ी दिखाते हैं आपको। सारी इन लोगों ने पसंद करा है, ये पसंद एक ये है, सेम डिजाइन है, कलर अलग है ना, कलर अलग है, और एक ये कलर है, ये कलर है, ये भी बहुत सुंदर है। नहीं नहीं हम जान रहे थे आपको देखने, बट पहनने पे ही अच्छा लग रहा है। ये ऐसे ही पिछला साड़ी का भी मेरा बहुत टूटता है, इसीलिए हमको उसको रिटर्न करना पड़ा, इसको भी कट रहे हैं, देख रहा है। नहीं 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 दोनों कलर लाजवाब, हाँ दोनों कलर अपने जगह, पहनने के बाद अगर अच्छा, हाँ जो चीज देखने में खराब लगे वो पहनने में अच्छा लगता है, जो देखने में अच्छा लगे वो पहनने में खराब लगता है। ये चीज हमको, हम बहुत पहले भी बोले थे उनको, ये देखने में बहुत भले शायद आपको अच्छा न लगे पहनने में अच्छा लगेगा, और इसका जब ये मैचिंग ब्लाउज बन जाएगा तब तो और अच्छा लगेगा। तो फिलहाल यही दोनों लेके आए हैं, अब देखते हैं ये दोनों पहन के कैसा लगता है हम दोनों। तो हे गाइस, अभी आए हुए हैं केक के शॉप पे, कारण ये है कि कल है भाभी का बर्थडे, तो आज रात में हम लोग डिसाइड किए हैं कि 12 बजे उनको सरप्राइज करेंगे केक के साथ। तो अभी केक खरीदने के लिए हम लोग आए हुए हैं, तो दिखाते हैं कौन सा केक हम लोग पसंद करेंगे, और ये बिल्कुल सरप्राइज है। तो गाइज ये सब कुछ केक है जो हम लोग को पसंद आ रहा है। ये केक, ये केक का कितना प्राइस है? इसका भैया 450 रुपये पड़ेगा, और ये वाला ये 350। तो गाइज देख लिए रेट वगैरह क्या है, अभी हम लोग केक खरीदते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। फिलहाल ये वाला केक पसंद आया है, तो इसको ये वाला लीजिए भैया, बहुत अच्छा है, खाने में बहुत अच्छा लगता है, हाँ तो इसको पैक कर दीजिए। तो फाइनली गाइज केक ले लिए, केक आपको दिखा दिए कौन सा पसंद किया है हम लोग, अभी हम लोग घर। तो गाइज अभी घर आ गए हैं और केक को भी फ्रिज में रख देते हैं, पूरी तरीके से सरप्राइज को मेंटेन रखना है, और रात के 12 बजे इस केक को निकाल के भाभी को सरप्राइज करना है। तो हम लोग के ब्लॉग के साथ बने रहिए क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। तो गाइज अभी पहुंच गए हैं बिलासी पंडाल में, और यहाँ पे लक्खी पूजा का प्रसाद वितरण हो रहा है, तो अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए। एक्चुअली वो प्रसाद कल ही मिलना था लेकिन कल ग्रहण के कारण प्रसाद वितरण नहीं हुआ, तो आज अभी प्रसाद ले रहे हैं ये यश बाबू, बिलासी पूजा समिति के कार्यकर्ता। तो गाइज अभी प्रसाद लेते हैं, प्रसाद लेके फिर यहाँ से निकलते हैं। गाइज अभी आए हुए हैं पड़ाके के दुकान में, और अयांश को फिर से चाहिए था पड़ाका, जिद कर रहा था कि पापा मुझे पड़ाका दिला दो, पड़ाका दिला दो। तो अभी आए हुए हैं अयांश को पड़ाका दिलाने के लिए, और फिर इसको दिलाते हैं। अभी ये पसंद किया अयांश, ये स्काई शॉट, तो मेरा भी फेवरेट है,
तो फिलहाल अभी एक ही ले रहे हैं, तो अभी स्काई सूट तो मेरा ही फेवरेट है, तो फिलहाल अभी एक ही पीस ले रहे हैं। और दिवाली का एक स्टैश हम लोग को लेना है, तो वो आप लोग को ब्लॉग में दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी ये लेते हैं और कुछ कुछ पटाखा है जो कि आयश पसंद किया वो लेते हैं, फिर घर निकलते हैं। तो गाइस अभी घर आ गए हैं और पटाखा वगैरह सारा लेके घर आ गए हैं। तो देख आपको दिखाते हैं कि अयांश जो है वो जिद करके कितना सारा पटाखा ले लिया है, और इसको बोल रहे थे कि हम लोग दिवाली का पटाखा लेंगे एक प्रॉपर दिवाली का एक पटाखा का एक पूरा स्टैश हम लोग लेंगे, लेकिन इसको वेट नहीं हो रहा है इस लड़के को। तो अभी फिलहाल आपको दिखाते हैं कि अभी कौन कौन सा पटाखा लिया है अयांश, देख सकते हैं। ये अभी अयांश जो है वो जिद करके इतना पटाखा लिया है, अभी सब अयांश का फेवरेट है। तो इसको इसको कब तक खत्म कर दोगे अयांश? कल तक नहीं, तो आज ही खत्म हो जाएगा। नहीं कर, तो अयांश के अकॉर्डिंग ये पटाखा वो आज ही खत्म कर देगा। तो फिलहाल अभी जोरों की लग गई है भूख, तो अब देखते हैं क्या है खाने को आज। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। तो गाइज अभी जा रहे हैं हम लोग बाहर, अमर भैया जा रहे हैं बाहर रेस्टोरेंट में खाने के लिए, तो आपको वहाँ जाके दिखाएंगे क्या खा रहे हैं। एक्चुअली इन लोगों के लिए जो बताया आपको कि प्रसाद में मिला है तहरी और तस्मई, तो ये दोनों तो तहरी तस्मई खा लेंगे, और फिर वो दो लोग के लिए ही है, ज़्यादा लोग खा नहीं सकेंगे, उतना ही अमाउंट इसमें दो लोग खा सकते हैं। तो अमर भैया और अयांश जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाने के लिए, तो वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि हम लोग क्या खाएंगे। तो गाइस अब ये रेस्टोरेंट पे आ गए हैं हमारे अयांश और भैया, तो अभी ऑर्डर दे दिए हैं, जब खाना आता है तो दिखाते हैं कि हम लोग क्या ऑर्डर किए हैं। तो देखिए गाइस ये है रेशमी कबाब मसाला, रेशमी कबाब मसाला, और ये है अंडा पराठा, और भैया का भी वही है। अयांश जो है वो प्लेन पराठा मंगाया है, उसका खाना स्टार्ट भी हो गया है, तो अभी खाते हैं और फिर आप लोग से मिलते हैं। तो गाइस अभी टेस्ट करते हैं कि कैसा लगा है, कैसा लग रहा है खाने में। बहुत ही बेहतरीन। तो गाइस हम लोग का खाना हो गया, अभी हम लोग निकल गए रेस्टोरेंट से, अभी जा रहे हैं घर, घर पहुंच के फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी बजे रात के 10:30 और अभी जस्ट हम लोग घर पहुंचे हैं, और अभी भी समय है 12 बजने में, तो वेट करते हैं अभी हम लोग। गाइस अभी देखिए अभी बज रहे हैं 11:51, ठीक है, तो अभी बस 10 मिनट्स बाकी है, 9 मिनट्स बाकी है भाभी का बर्थडे आने में, एक्साइटेड हो रहे हैं हम लोग बहुत, और अभी खाना भी एक्साइटेड है। हाँ देखिए इसका मुंह देखिए। तो गाइस अभी भाभी का बर्थडे हम लोग बहुत स्पेशल प्लान किए हैं, रात में 12 बजे हम लोग उनको टेरेस पर लेके जाने वाले हैं, और वहाँ पे हम लोग बहुत मस्ती करने वाले हैं। तो मेरा सारा सामान भी आ गया है, और इसको लेके अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि हम लोग क्या क्या करते हैं। चलिए तो गाइस देखिए हम लोग टेरेस पे आ गए हैं, और एकदम ठंडी ठंडी थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि छत का नज़ारा कैसा है। चांद चमक रहा है आसमान में, हल्का हल्का चांदनी रात रोशनी, और उसमें बर्थडे मनाने का जो मज़ा है ना, क्या ही बोले। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि चंदा मामा का रोशनी में ये टेरेस कैसा लग रहा है, वो देखिए। तो गाइस अभी मैं देखो सारा चीज़ अरेंज कर रही हूँ माटी से, ये हैप्पी बर्थडे है, ये क्राउन है, और ये केक कैंडल वगैरह, कैंडल का है ये स्काई शॉट, ये स्काई शॉट, हाँ कैंडल भी है, पार्टी पॉपर भी candle, है। सारा चीज़ आ गया, सबको अरेंज कर लेते हैं, सकते सकते हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अभी सारा चीज़ खोलते, देखो मैं एक हाथ से यूज़ कर रही हूँ, वाह चॉकलेट केक मेरा फेवरेट, बट भाभी को चॉकलेट ही पसंद है। कौन आप लाओ केक, एक सेकेंड इस पर रखो, गिरेगा नहीं ना, नहीं गिरेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर भाभी, हैप्पी बर्थडे टू यू, आपका 12 बजे वाला केक, टंकी केक, इसको बोलते हैं टंकी केक, ये रहा क्राउन, मेरा वाला ले आया क्या? नया है, नया है, नया है, तो बोलता तो।
केक जो है ना लाजवाब है, बहुत टेस्टी है, लाजवाब बहुत। लेकिन भाभी को डार्क चॉकलेट फ्लेवर पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, बट फिर भी केक बहुत टेस्टी। ऐसे में केक कोई भी हम नहीं खाते ज्यादा, तो केक बहुत टेस्टी, एकदम फ्रेश फ्रेश है। सबसे बड़ी बात है कि केक बहुत फ्रेश है, फ्रेश है और फ्रेश जगह पर है, जगह पे बहुत मजा है। न्यू इनोवेटिव आइडिया था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। हम लोग कल क्या कर सकते हैं? अब कल है बहुत बड़ा सरप्राइज, तो कल का व्लॉग जरूर देखें ताकि इसमें बहुत सारे चीज रिवील होने वाले हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। अब देखते हैं कल। तो बस इसी बर्थडे विश के साथ, तो गाइस कल के हमारे ब्लॉग में बने रहना। आज रात का 12 बजे तो बहुत अच्छा सरप्राइज मिला। अब देखते हैं तीनों मिलके कौन सा नया नया सरप्राइज मेरे को देगा, क्योंकि आज बहुत हेड पेनिंग हो रहा था, मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा था, लेकिन अभी मेरा सिर दर्द छूट गया। और उसके जाते पता नहीं सोने के बाद कुछ हो दर्द वगैरह, तो मेडिसिन ले चुके हैं, लेकिन अब कोई मेडिसिन का दरकार नहीं है। बहुत 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 थैंक यू, क्योंकि न्यू था और ओपन जगह पे था और चांद के नीचे, तो और भी स्पेशल था। उसके लिए अब पटाखा तो पूछो, माइंड ब्लोइंग, उसका तो जवाब नहीं, मतलब लग रहा था कुछ न्यू है लाइफ में एकदम, मतलब बता ही नहीं सकते। बहुत अच्छा था, हर चीज अच्छा था इनफैक्ट। तो फिलहाल अभी हम अपने ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब के लिए लाइक सब्सक्राइब करना शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।